टीपू था मैसूर का शेर, उसने जब भी तलवार उठाई तब तब अंग्रेजों का जीना दूभर कर दिया था। नेपोलियन भी उसकी बहादुरी का मानने वाला था। टीपू था दुनिया का पहला मिसाइल मैन। अगर बीबीसी की माने तो लंदन के साइंस म्यूजियम में आज भी टीपू के रॉकेट्स रखे हुए हैं। टीपू का जन्म 10 नवंबर 1750 में कर्नाटका के देवनहल्ली में हुआ था। टीपू के पिता हैदर अली थे, जिन्होंने 1761 में मैसूर की गद्दी पे अपना हक जमाया था। बचपन में ही हैदर अली ने टीपू को घोड़सवारी तलवारबाजी सिखवा दी थी और इसके साथ साथ उन्हें पर्शियन, उर्दू और कई दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखवाई थी। जब टीपू 15 साल के हुए तब उन्होंने अपने पिता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई लड़ी थी। टीपू आक्रामक होने के साथ साथ एक सूझबूझ की नीति रखने वाले भी थे। वो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक महारथी थे, यानी छुप के अपने दुश्मन को कैसे मार गिराना है वो अच्छी तरह जानते थे। ये बात सन 1769 की है। अंग्रेजों ने अभी अभी माहे की बंदरगाह पे कब्जा किया है। ये वो जगह है जो टीपू के नियंत्रण में थी, लेकिन नियंत्रण खोने के बाद भी टीपू चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलके अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और इस तरह शुरू हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। शुरू में टीपू ने हैदर अली के साथ अंग्रेजों को धूल चटा दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद हैदर अली की सेहत खराब होना शुरू हो गई। उनको कैंसर हो गया था और 1782 में हैदर अली की मौत हो गई। टीपू अभी सिर्फ 22 साल के ही थे और उनके कंधों पे मैसूर का भार आ गया था। अब टीपू के दुश्मन और टीपू एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। टीपू ने जैसे ही गद्दी संभाली उन्होंने अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए मुगल और मराठाओं से हाथ मिला लिया था और इसकी वजह से 1784 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ, क्योंकि अब अंग्रेज उनसे ट्रीटी करने को राजी हो गए थे। अंग्रेजों और टीपू के बीच ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की गई, जिसमें टीपू ने जो जो कहा अंग्रेजों ने हर वो बात मानी। ये वो आखिरी टाइम था जब एक हिंदुस्तानी अंग्रेजों पे भारी पड़ा था। अब टीपू ने अपनी फौजों को मजबूत बनाने की ठान ली थी। उनके दिमाग में दिन रात सिर्फ अंग्रेजों को खत्म करने की रणनीतियां चलती रहती थीं। टीपू ने त्रावणकोर पे अपनी आंखें जमा रखी थीं, लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अनुसार त्रावणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी राज्य था। टीपू ने दिसंबर 1779 में त्रावणकोर पे आक्रमण कर दिया और यहीं से शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। त्रावणकोर के राजा ने फौरन ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। अंग्रेजों ने निजाम और मराठा राजाओं की मदद से टीपू की सेना पे धावा बोला और कोयंबटूर को हथिया लिया। ये लड़ाई काफी वक्त चली, जिसकी वजह से टीपू अब कमजोर पड़ गए थे। 1792 में युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन हुई और इस ट्रीटी की वजह से टीपू ने अब अपने कई राज्य खो दिए थे। लेकिन टीपू का खून अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। अंग्रेज बहुत शातिर थे, वो हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। उन्होंने 1799 में मौके का फायदा उठाते हुए मराठाओं और निजामों के साथ मिलकर मैसूर पे हमला कर दिया और यहां से शुरू हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिशर्स के पास उस वक्त जो सेना थी उसमें पूरे 50,000 सैनिक थे और टीपू के पास सिर्फ 30,000 सैनिक। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगापट्टनम पे कब्जा किया। वो दीवारें तोड़ के अंदर घुस आए थे। तभी टीपू के हमेशा से करीब रही फ्रेंच मिलिट्री ने टीपू को सलाह दी कि वो गुप्त रास्ते से निकल जाएं और अपनी जान बचाएं। लेकिन टीपू भी कहां थमने वाले थे, उनकी रगों में बहता खून उबाल मार रहा था। टीपू ने कहा, 1000 साल की भेड़ बकरी की जिंदगी से मुझे एक दिन की शेर की जिंदगी जीना पसंद है। ये कहके टीपू जंग में कूद पड़े और 4 मई 1799 को वो वीरगति को प्राप्त हो गए।